दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो दो कंट्रीज कौन सी हैं जहाँ पर कोका कोला बैन है? और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की कौन सी जगह पर सबसे खूबसूरत रेनबो दिखाई देते हैं? और दोस्तों, क्या आप उस फंगस के बारे में जानते हैं जो एक चींटी को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसे पेड़ पे चढ़ने और उससे कूदने को मजबूर कर सकती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिमाग को हिला देने वाले 20 अमेजिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो बिना देरी के। नंबर 20। दोस्तों, बचपन में हमारी पेंसिल और इरेजर अक्सर पूरी खत्म होने से पहले ही हमसे खो जाती थी, और ये शायद हम सभी के साथ हुआ होगा। पर दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हम सिर्फ एक पेंसिल से कितनी लंबी लाइन बना सकते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि एक पेंसिल से हम लगभग 35 माइल्स यानी कि 56 किलोमीटर तक की लंबी लाइन खींच सकते हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल की बात। नंबर 19। दोस्तों, हमने टीवी पर कई बड़े बड़े और खूंखार डायनासोर को देखा होगा, पर क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया का वो सबसे स्मॉलेस्ट डायनासोर कौन सा था जो पुराने समय में एग्जिस्ट करता था? हम आपको बता दें कि माइक्रो रैप्टर नाम का एक डायनासोर दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट डायनासोर माना जाता था। इसके पास चार पंख भी मौजूद थे और ये लगभग 77 सेंटीमीटर लंबा था, यानी कि कुछ एक क्रो के जितना। वैसे क्या आप क्रो जैसे दिखने वाले डायनासोर को देखकर डरेंगे दोस्तों? नंबर 18। दोस्तों, सहारा डेजर्ट के बारे में सुनकर ही हमें एक बड़ा सा रेत से भरा हुआ डेजर्ट दिखाई देने लगता है, पर आपको बता दें कि सहारा डेजर्ट में सिर्फ 25% ही सैंड यानी कि रेत मौजूद है। इस बड़े से डेजर्ट का बाकी हिस्सा सिर्फ रॉक्स और ग्रेवल से मिलकर बना हुआ है। नंबर 17। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं एफिल टावर से जुड़ा हुआ एक कमाल का फैक्ट। दोस्तों, भला एफिल टावर के बारे में किसने नहीं सुना होगा? आपको बता दें कि टावर गर्मियों के मौसम में 6 इंच ज्यादा लंबा हो जाता है। दरअसल दोस्तों, ये हीट की वजह से होता है, जिससे कि टावर की स्टील एक्सपैंड हो जाती है। मौसम के ठंडे होने पर ये वापस अपने असली साइज में आ जाता है। नंबर 16। दोस्तों, वैसे तो बर्फ को हम अंग्रेजी में सिर्फ स्नो नाम से ही जानते हैं, मगर क्या आप ये बात जानते हैं कि स्कॉटलैंड में सिर्फ बर्फ के लिए ही 421 तरह के अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर एक बड़ी स्नो फ्लेक है तो उसे हम स्केल्फ बुलाते हैं, और अगर छोटी है तो फ्लिंडरकिन। ऐसे ही 419 वर्ड्स और बाकी हैं दोस्तों। नंबर 15। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का लार्जेस्ट वर्ड कितना ज्यादा लॉन्ग है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि लार्जेस्ट इंग्लिश वर्ड पूरे 189,819 लेटर लंबा है, और ये एक प्रोटीन का नाम है। इसे सिर्फ पढ़ के बोलने में ही पूरे 3 घंटे का समय लग जाता है, और साइंटिस्ट शॉर्ट में इसे टिटिन कहते हैं। नंबर 14। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जब डॉल्फिन सोती हैं तब वो अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं? सही सुना आपने, इसके पीछे का भी एक मजेदार कारण है। डॉल्फिन जब रेस्ट करती हैं और सोती हैं तब वो एक आंख अपने दुश्मनों को देखते रहने के लिए खुली रखती हैं। और क्या आप ये बात जानते हैं कि जब डॉल्फिन की राइट आई बंद होती है तब उनके ब्रेन का लेफ्ट साइड सोता है, और ठीक इसका उल्टा होता है जब वो अपनी लेफ्ट आई बंद करती हैं? इस प्रोसेस को यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप का नाम भी दिया गया है। नंबर 13। गाइस, कई बार छोटे पे हम लोग स्कूल न जाने के लिए पेट दर्द का बहाना तो अक्सर ही करते थे। दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा किया है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वैसे हम आपको बताने वाले थे कि जिन पांडास को कैद करके रखा जाता है वो कई बार प्रेग्नेंट होने का भी नाटक करते हैं ताकि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। क्यों दोस्तों, है ना पांडास सच में बेहद क्यूट जानवर। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हमारे पास एक ऐसी कार होती जो आसमान की तरफ एकदम सीधा चल पाती तो हमें स्पेस तक पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का ही समय लगता, क्योंकि देखा जाए तो स्पेस अर्थ सरफेस से टेक्निकली सिर्फ 62 किलोमीटर दूरी पर है। नंबर 11। दोस्तों, अब हम आपको वो रीजन बताने वाले हैं कि क्यों हमें अपने डॉग्स को कभी भी चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, चॉकलेट खाने से डॉग्स की जान भी जा सकती है। सही सुना आपने, चॉकलेट्स के अंदर थियोब्रोमाइन पाया जाता है जो उनके हार्ट और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये कैफीन की तरह ही होता है और डॉग्स के लिए टॉक्सिक होता है। ह्यूमंस इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं पर डॉग्स नहीं कर सकते। नंबर 10। दोस्तों, आज के टाइम में हमारा काम बिना हेडफोन्स या ईयरफोन्स के चल ही नहीं सकता, पर क्या आप ये जानते हैं कि हेडफोन्स को एक दिन में सिर्फ 1 घंटा लगाए रखने से हमारे कान के बैक्टीरिया 700 गुना ज्यादा बढ़ सकते हैं? क्योंकि हेडफोन्स को लगाने से नेचुरल एयर कानों में नहीं जा पाती, बैक्टीरिया से एंटर करने की वजह से कई बार दर्द भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए हियरिंग लॉस भी झेलना पड़ सकता है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि एक ऐसा फंगस मौजूद है जो चींटी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुसकर उसे अफेक्ट कर सकता है? इतना ही नहीं, सिर्फ 9 दिन के अंदर ये फंगस अपने होस्ट यानी कि आंट की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, और इस वजह से आंट का बिहेवियर भी बदल जाता है। फंगस आंट को पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे गिरने पर भी मजबूर कर सकता है। इस फंगस का नाम है ओफियोकोडाइसिप्स, जो कि एक ट्रॉपिकल फंगस है। नंबर 8। दोस्तों, कई बार जिन एप्पल्स को हम सुपरमार्केट में रखा हुआ देख सकते हैं और ये हमें बिल्कुल फ्रेश बताए जाते हैं, हो सकता है कि एप्पल्स 1 साल पुराने हों। कई बार एप्पल्स को वैक्स से कवर करके हॉट एयर से ड्राई करके कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है, फिर 6 से 12 महीने तक उन्हें दोबारा निकाल कर ग्रोसरी स्टोर्स में और सुपरमार्केट्स में रख दिया जाता है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा स्पार्सेस्ट है यानी कि विरल है? दोस्तों, आपको बता दें कि ये मंगोलिया है। मंगोलिया एक बड़ी सी कंट्री है और ये रशिया से चाइना के नॉर्थ तक फैली हुई है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री तो नहीं है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस कंट्री में लगातार 2 घंटे तक घूमने के बाद भी कोई इंसान नहीं दिखेगा। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा शूटिंग्स हुई है और उसे लोग वर्ल्ड की मोस्ट फिल्म लोकेशन मानते हैं? आपको बता दें, ये जगह कोई और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है। ये अमेरिका का पहला पब्लिक पार्क भी है। नंबर 5। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री भी दुनिया में मौजूद है जहाँ सिर्फ एक दिन में ही चल के हम पूरी कंट्री को क्रॉस कर सकते हैं। सही सुना आपने, ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री में से एक है। नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर ये सिर्फ 15 माइल्स जितनी लंबी है और ईस्ट से वेस्ट की ओर ये 2.5 माइल्स लंबी है। इस कंट्री का नाम है लीचेनस्टाइन, और भले ही ये छोटी है पर ये उतनी सुंदर भी है। नंबर 4।
दोस्तों, हम सबको कोका कोला पीना बेहद पसंद होता है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में दो कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर कोका कोला बेचना और खरीदना दोनों ही बैन है। ये दोनों कंट्रीज हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। नंबर 3, अगर आपको रेनबो पसंद है तो आपको ये फैक्ट जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें से हम आपको बताने वाले हैं उस जगह के बारे में जहां पर दुनिया का सबसे खूबसूरत रेनबो दिखाई देता है, और ये जगह कोई और नहीं बल्कि हवाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर दुनिया के सबसे खूबसूरत और मैजिकल रेनबो देखने को मिलते हैं। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन कौन सा माना जाता है? आपके मन में जो भी प्रोफेशन सबसे पहले आया कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि डेंटिस्ट का प्रोफेशन कम से कम 9000 साल पुराना है। इटली की बीबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना के हिसाब से पुराने समय में भी सड़े हुए दांतों को साफ करके किसी टूल की मदद से निकाला जाता था। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी कॉमर्शियल फ्लाइट सिर्फ 2 मिनट की ही है पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए? स्कॉटलैंड टूरिज्म के मुताबिक आइलैंड ऑफ वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे, जो कि दोनों ही ऑर्कनी आइलैंड का हिस्सा है, इनके बीच में चलने वाली फ्लाइट सिर्फ 1 मिनट 14 सेकंड में अपना सफर पूरा तय कर लेती है। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।